हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले आपको मैं बोलना चाहता हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज हमारे इधर मतलब सब लोग ने फ्लैग लगा है क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है, इसलिए देख सकते हो सबसे पहले तो इधर हमारा है और उस साइड भी सब कुछ मैंने आपको पहले दिखा दिया। और मेरे पास आपके लिए कुछ मेरे को दिखाने गए तो मैं जल्दी से घर के अंदर से लेके आता हूँ और उसके बाद आपको दिखा दूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं लेके आ चुका हूँ, आप लोग गेस कर सकते हो क्या हो सकता है फ्रेंड्स? नहीं ना, चलो बताइए कल कुछ फ्रेंड्स। देखो क्या है, ये देखो गेस करो क्या है। तो फ्रेंड्स ये एक प्लांट जो पौधे होते हैं उसके बीज है इसके अंदर। तो इंडिपेंडेंस डे के दिन हमको मिले, आपको दिखाता हूँ इसके अंदर क्या है। मतलब ये जो पूरा ये जो ऐसे ये कवर है ना ये मिट्टी के अंदर लगा देने का, उसके बाद वो उसके इसके अंदर ही उन लोगों ने बीज लगाए। देखो इधर डॉट डॉट है, देखो इधर एक बीज आया बाहर तो वो है और इसके अंदर एक फ्रेंड आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर एक फ्लैग भी है छोटा सा, नीचे स्टिकर भी लगे आप लोग जिसके अंदर भी ये बीज लगाओगे उसके पॉट के मतलब जो गमला आप लोग लोगे उधर ये चिपका सकते हैं देखो टेप लगा के। तो आप लोग अभी इसको लगाएंगे भी और आपको दिखाएंगे, ठीक है चलो। सो फ्रेंड्स अभी का सीन कुछ ऐसे कि अभी मेरे को ये जो प्लांट है ये देखो जो कि मैंने पहले आपको दिखा दिया वो लगाने का है। तो जल्दी से चलते हैं और लगाते हैं। इसके एक खास बात आपको बता दूं कि इसके अंदर फ्लैग भी फ्लैग का स्टिकर है और ये जो पूरा पैकेजिंग दिख रहे है ना ये वाली वो उसको ही सीधा मिट्टी में लगा देना है और ग्रो हो जाएगा। इसके अंदर ही पूरा उन लोगों ने जो जो बीज होते हैं वो लगा के दिए है, सिर्फ आपको ये जो पैकिंग है सिर्फ लगानी है मिट्टी के अंदर। तो चलिए जल्दी से लगाते हैं। और ये कौन सा प्लांट है? तुलसी का प्लांट है, वो बताना भूल गया था मैं। तो चलिए जल्दी से चलते। तो दोस्तों अभी फाइनली अभी हम लोग ने ये प्लांट लगाने को स्टार्ट कर दिया और मेरे पास दूसरा कोई गमला नहीं था इसलिए मैंने ये कुछ तो उठा लिया, बाउल जैसा हमारे बाहर पड़ा था इसलिए मैंने वो भी उठा लिया। जब वो ग्रो हो जाएगा तब मैं नया जो पॉट ला के उसके अंदर लगा दूंगा। और ये सब पेपर को मैं जो पैकेजिंग है उसको फाड़ रहा हूँ, सीधा नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को ऐसे ही अच्छा लग रहा था। फाड़ के अलग अलग करके मैं टुकड़े टुकड़े कर रहा हूँ उसके, देख सकते हो। और नीचे जो फ्लैग रखा है इसको मैं ऐसे टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे पीसेस में कर दूंगा। और ये रहा मैं देखो आपको दिखा रहा हूँ जैसे कि, और इसे छोटे छोटे टुकड़े करूँगा मैं। और अभी चलो देखते हैं कैसे मैं टुकड़े टुकड़े करता हूँ। और ये रहा हमारा छोटा सा फ्लैग जो कि मैंने रखा है जो मैं गमले पे लगाने वाला हूँ हमारे, ऐसे देखो। और मैं और नील कुछ कुछ बीच बीच में बातें भी कर रहे हैं, नील शूटिंग कर रहा है और देखो, और नील थोड़ी सी पागलगिरी भी कर रहे थे। देखो पेपर आपको दिखा रहे और निकाल उठा के उधर भी रख रहे। तो अभी लगाने का स्टार्ट हो चुका है। देखो इसके अंदर मैं एक एक छोटे छोटे पीसीस जो उठा के डाल रहा हूँ उस पॉट में, यानी कि गमला भी कह सकते हैं बाउल भी कह सकते हैं जो भी आपको कहना है आप लोग कह दो। ऐसे लगा दूंगा मैं अभी इसको और उसके बाद ऊपर से मिट्टी डाल देंगे। ये देखो आपको कैसे दिखा रहे नील बुटके बुटके, उसके छोटे छोटे हाथ देख सकते हो कैसे और गाइस हमारा गमला थोड़ा छोटा पड़ रहा है सबके लिए इसलिए मैंने ये थोड़े से अभी रख दूंगा। अभी थोड़े जो दूसरे गमले में लगा दूंगा, मैं खरीद के दूसरा लाऊंगा तब। अरे देखो बीज दिखा रहा हूँ मैं आपको, अरे नील ले ही नहीं रहा था कब से और मेरे को गुस्सा आ गया फिर मिट्टी डाल देते हैं इसके अंदर और उसके बाद चलो पानी वगैरह डालेंगे उसके अंदर। तो फ्रेंड्स अभी टाइम है इसके अंदर पानी देने का। तो मैं इसे दो उंगली रख रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे बीज है वो बाहर आ जाएंगे, इसलिए आप लोग देख सकते हो ऐसे मैं पानी डाल रहा हूँ। थोड़ा ज़्यादा ही डालूंगा क्योंकि बीज को पानी मिलना चाहिए आराम से, तभी वो ग्रो होंगे। और उसके बाद हम लोग उसको रख देंगे थोड़े बाजू में धूप के एरिया में बस। और
देख सकते हो मैं ऐसा कुछ पनीर डाल रहा हूँ, बस हो गया इतना और डन। और ये जो फ्लैग है इसका स्टिकर मैं पीछे से हटा देता हूँ, टेप का जो उसके ढक के रखा है उन लोगों ने वो मैं निकाल देता हूँ। और अभी हम लोग लगा देंगे इस गमले के ऊपर, जैसे कि इसको गमला नहीं कह सकते, बाउली कह सकते, इधर मैं लगा देता हूँ इसको। और हर व्लॉग में आपको इसकी अपडेट मिलती रहेगी, तो फुल व्लॉग हर आपको देखना, ठीक है। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग ने जो प्लांट था वो लगा दिया, और मैंने आउटडोर में शूट कर रहा था इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं, थोड़ी सी आपको दिखाया है उधर, क्योंकि बहुत ही नॉइज आ रही थी, गाड़ी वगैरह चल रही थी तो मेरा वॉइस आ नहीं रहा था। मैं ट्राई कर रहा था बोलने के, लेकिन बीच बीच में मैं थोड़ा सा बोलने की ट्राई की, लेकिन जब मैंने चेक किया तब वो वॉइस अच्छे से आ नहीं रहा था, पूरा गाड़ियों का ही पीपी पॉप आवाज आ रहा था, इसलिए मैं उधर अभी वॉइस ऑन कर दूंगा चलेगा उतना। तो आप लोग भी एक प्लांट लगा सकते हो फ्रेंड्स इंडिपेंडेंस के दिन पे, मैंने तो मस्त लगा दिया, आपको भी लगाना चाहिए। तो आप लोगों ने इंडिपेंडेंस डे के दिन क्या काम किया आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और कमेंट में बताना कि आप लोगों ने क्या किया। सो दोस्तों चलिए अभी कर देते इस वीडियो को एंड। तो फ्रेंड आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स में जय हिंद लिखना मत भूलना, पूरा कमेंट भर जाना चाहिए, जय हिंद लिख देना, हाँ बस लिख देना फ्रेंड्स, हाँ लिखोगे तो मजा आएगा आपको भी और मेरे को भी, कमेंट्स आने चाहिए सबके। तो फ्रेंड्स बाय बाय।